हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ आज जो है ना मेहमान के तौर पर इंडिया न्यूज़ पॉइंट चैनल पर खास इस इंटरव्यू में कंवर सिंह जी, चेयरमैन जो हैं महेंद्रगढ़ से, जो विधानसभा के उम्मीदवार भी हैं, ये हमारे साथ उपस्थित हैं। और राजनीतिक हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, सारी बातचीत जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी साहब, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव 2024 की अगर हम बात करें तो काफ़ी गर्मा गर्मी है। आपने भी काफ़ी कुछ रिसेंटली जैसे तिरंगा यात्रा और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी थी जी, कैसी क्या तैयारी है? शमशेर जी की हमने तिरंगा यात्रा में भी तैयारी की और 2024 का विधानसभा की तैयारी हमने पूर्ण रूप से, आज से नहीं 2019 के बाद से हमने तैयारी कर रखी है। कुछ साथी ये कहते हैं कि भाई चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये काफ़ी बड़ा। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी साथियों को ये मेरा एक निवेदन भी है और मेरा सुझाव भी है और मेरी राय भी है, 2024 का चुनाव मैं अवश्य लड़ूंगा। और सभी साथियों ने, जब भी मैं गांव में जाता हूँ तो एक ही बात कहते हैं, आपका बहुत लगाव है आपसे, लोग चाहते हैं क्या विचार है। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, चुनाव लड़ने की बात आती है ना तो उसमें एक बात और आती है, कुछ लोगों की धारणा है, कहते हैं कि अगर आपको बीजेपी की टिकट मिली तो चुनाव लड़ेंगे। शमशेर जी, मैं 1995 से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता, पदाधिकारी, एक मंडल के महामंत्री से लेकर और प्रदेश कार्यकारिणी तक अनेक जिम्मेवारी, विधानसभा का प्रभारी भी रहा, जिला का अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी रहा, लोकसभा का सह प्रभारी भी रहा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी रहा और दो बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ जी। इतनी बार मान ले, इतना लंबा अनुभव पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है, एक अनुभव भी तो कोई चीज़ होती है। और भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जो आम कार्यकर्ता को भी विचार करती है, उसकी कार्यप्रणाली को देखकर, उसकी मेहनत को देखकर। मैं तो 1995 से लगा हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मैं चुनाव लड़ूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक संशय है कि अगर नहीं मिली तो क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ अगर टिकट मिली तो ही चुनाव होगा। अब टिकट किसी और को मिल गई, मान लीजिए पहले से पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी भी हैं जी, जो जिनका जैसे आपने बताया कि आप 95 से हैं, वो शायद 77 से जनता दल के टाइम से जुड़े हुए हैं जी। तो अगर टिकट इधर से उधर हो जाती है तो उस केस में क्या रहेगा सर? देखिए, आदरणीय रामविलास जी शर्मा 1977 से लगातार बिहानी लोकसभा से भी लोकसभा का चुनाव लड़ा है जी, बिल्कुल। इतना लंबा चुनाव उन्होंने लड़ा है 77 से लगातार, और पार्टी अनेक प्रदेशों में देखिए बदलाव करने लग रही है। हाँ हाँ। और उसी बदलाव के कारण ही मैं अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि पार्टी मेरे नाम पर ज़रूर विचार करेगी। और आपने कहा कि यदि पार्टी टिकट नहीं देती है, जो मेरा मेहनत है, जो लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है, लोगों का जो रुझान है और लोगों का एक इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि इसमें मुझे कोई कमी महसूस नहीं हो रही कि मुझे कोई दिक्कत आएगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा जी, इसमें मैं बस, मेरे आगे मात्र दो सवाल और हैं। एक सवाल तो ये कि जैसे जब आप टिकट किसी और को मिल जाती है फिर आप चुनाव लड़ेंगे जी, तो जिस पार्टी में आपने सेवा करी है तो उसी पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े हो जाएंगे कि भाई आप इतने लंबे समय से तक तो समर्पित थे और अब एकदम से पार्टी छोड़ और आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये तो दोनों तरफ की बात है, जो मेरे ऊपर जो लागू है वो पार्टी के ऊपर भी लागू। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो इस जिस कार्यकर्ता ने 30 साल तक पार्टी की सेवा की है, उस समय सेवा की है जो पार्टी कोई नज़दीक नहीं लगता था। ग्रामीण अंचल के अंदर हमने जो काम किया है हम ही जानते हैं जी, और बिना किसी स्वार्थ के हमने पार्टी की सेवा की है। तो यदि इसके बाद में भी पार्टी विचार नहीं करती है तो
तो पार्टी इसके ऊपर विचार करे। हाँ सही बात, मतलब आपका ये कहना सही है कि जो सिस्टम आप पर लागू होता है वो पार्टी पर भी लागू होता है, क्योंकि आप उसके एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, तो पार्टी को भी इस तरह के विचार रखने चाहिए कि बदलाव जो है वो समय के अनुसार करना चाहिए। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात कि जैसे प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, हम चुनावी मैदान में ही क्यों है, क्या एजेंडे हैं, क्या विजन है, क्या करेंगे? ऐसा एक ही मेरा विचार है जी, मेरा एक ही विचार है। ये मैं महसूस करता हूँ कि इतना लंबा समय जो हमारे पूर्व में जो भी प्रत्याशी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं जी, लेकिन जो मेरा एक सपना है महेंद्रगढ़ का जो विकास होना चाहिए, चाहे वो नगरपालिका की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे अन्य ऐसे काम है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक विकास हो जो चलते लोग महसूस करें कि हाँ महेंद्रगढ़ में भी काम है। महेंद्रगढ़ अनेक ऐसे काम है, महेंद्रगढ़ विकास हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा। अभी भी लेटेस्ट मुद्दा है कि मुझे तो समाचार लगा कि भाई नगर पालिका के कह रहे कि बरंडा खाली करो। हाँ, बरंडा खाली करो। अरे बरंडा खाली करने से पहले आप ये महसूस करो कि आपकी रोड की सुविधा है क्या, आपने पानी की व्यवस्था ठीक है क्या, आपकी सीवरेज की व्यवस्था ठीक है क्या, आपकी सफाई की व्यवस्था ठीक है क्या। बरंडा तो बाद की बात है, पहले जो असली जो काम है, जो काम करने के वो काम करें। हाँ, मतलब अतिक्रमण जो बरामदे का है उसको छोड़ के पहले मूलभूत सुविधा है, मूलभूत सुविधा है, हाँ। वो काम उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये तो बात नगर पालिका के लिए, लेकिन बहुत सारा इलाका जो विधानसभा क्षेत्र है जी, इसके अंदर भी काफी जैसे सड़कें, जल और बहुत सारा विकास यहाँ पर भी कुछ होता नजर नहीं आ रहा खास। देखिए सड़कों में मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि जो होना चाहिए उतना काम सड़कों पर हमारी नहीं। हमारे बगल की विधानसभाओं में सड़कें अच्छी हैं जो हमारे इसी जिले का पार्ट आज की डेट में। तो यहाँ तो सबसे पहला तो जो जनप्रतिनिधि हैं जी, जिनकी जिम्मेवारी है, उनको ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। हमने तो पानी का एक मुद्दा उठाया था और उस पर लगातार काम किया है और रिजल्ट आपके सामने हैं। दोहान नदी में आज से पहले कभी पानी आया क्या? पूरी नदी में एक डेढ़ डेढ़ फुट पानी भरा है। अच्छा, और उसका रिजल्ट भी आया जी। अच्छा साहब, एक और है, ये भी हम जैसे ग्राउंड पे रहते हैं तो हमसे लोग पूछते रहते हैं, और वैसे भी पानी के मुद्दे में कई बार ऐसा हो जाता है कि राजनीति या कह सकते हैं कि श्रेय लेने वाला सा काम हो रहा है। सभी ये कहते थे कि हमने प्रयास किया फिर पानी आ गया। देखिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कह सकता हूँ कि भाई उनका भी प्रयास होगा, लेकिन हमने अपनी ईमानदारी से हमने प्रयास किया और उसका रिजल्ट सामने आया जी। डॉक्टर अभय सिंह जी आए थे, हमने आम और आप वहाँ पर मौजूद थे, गेस्ट हाउस जो है कैनाल गेस्ट हाउस में, वहाँ पर उन्होंने पूरा दौरा किया था। तो अब उसमें क्या कुछ होने वाला है? उसमें जो सिस्टम था, आने जाने वालों की दिक्कत थी, चाहे भूचोली रोड हो उसका ठीक से पाइप अंडरग्राउंड करके ना अच्छी व्यवस्था होगी, डुलाना रोड की व्यवस्था ठीक होगी, देवास रोड की व्यवस्था ठीक होगी, रेवाड़ी रोड की व्यवस्था ठीक होगी, और देवास रोड से लेकर ना और रेवाड़ी रोड तक अच्छा बढ़िया चैनल बनाकर उसके अंदर पानी सीधा आए, ताकि आने जाने वाले लोगों को भी कोई दिक्कत ना आए। और किसान की जो एक सबसे बड़ी समस्या है, ट्यूबवेल का जो पानी दिन प्रतिदिन नीचे गया, उसमें ऊपर आए पानी और किसान की आमदनी बढ़े जी। ये तो चलो पानी की बात ही रही, वापस आते हैं विधानसभा 2024 जो है चुनाव पर जी। अभी आप गांव में जा रहे हैं, शहर के अंदर भी कहीं जाते होंगे, मिलने लोगों से कैसा क्या समर्थन मिल रहा है? मैं इंडिविजुअल मिल रहा हूँ और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, गाँव में भी और शहर में भी। और मैं उनके समर्थन से, उनके प्यार से मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे विश्वास है कि इस तरह से लोग चाह रहे हैं, इस विश्वास से ही मैंने मन बनाया है कि 2024 का चुनाव अवश्य लड़ूं। चलिए 2024 का जो चुनाव है कंवर सिंह जी अवश्य लड़ेंगे, और आप क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। कौन जीतेगा विधानसभा चुनाव 2024 महेंद्रगढ़ विधानसभा से, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कंवर सिंह जी जो पिछले काफ़ी लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, इनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी आप अपने विचार रखें, और इनके जो प्रयास हैं, जो भी इन्होंने अभी तक कार्य किए हैं, उनके बारे में चर्चा अवश्य करें। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सबसे। और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ या फिर किसी ग्राउंड के अंदर किसी न्यूज़ को कवर करते हुए।
आप बस प्यार दे रहे हैं, लाखों में पहुंचा दिया है, तो आगे भी इस तरह की कोशिश जारी रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कंवर सिंह जी का जो ये मैसेज है कि विधानसभा 2024 के अंदर ये चुनाव अवश्य लड़ेंगे, ये पहुँच सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।